क्या कहूं तुम्हारे लिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा है तुम्हें, आज से बेहतर कल बनाने की जिद है तुम्हें। भुला तुम्हारी इस मेहनत को देश देख रहा है, अपने सच अपने सपनों को पाने को कितनी मेहनत करनी चाहिए बंदा बंदा आज तुमसे सीख रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं पहाड़ की हसीन वादियों के बीच एक वायरल वीडियो, जो अभी प्रदीप मेहरा की वायरल वीडियो है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और पहाड़ के लड़कों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूं और पहाड़ की जो कठिन जिंदगी होती है और वो बंदा किस प्रकार अपना इतना अच्छा अल्मोड़ा जिला छोड़ के, घर छोड़ के दिल्ली में मैकडोनल्ड में काम कर रहा है और उसके बाद वहाँ पर रातों रात ड्यूटी करने के बाद घर जाते हुए दौड़ता है और आर्मी के लिए तैयार। वैसे तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ सैनिकों का देश सेवा में तत्पर के लिए हर घर से फौजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार लगन सबको है। आज यहाँ हर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली ख्वाहिश उसकी यही रहती है कि वो आर्मी में जाए और देश रक्षा करें, देश सेवा करें और देश के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे भी अपने गाँव से लगभग बहुत सारे प्रत्येक घर से एक दो या तीन फौजी हैं, जिनके दो तीन भाई हैं। तो बात है वायरल वीडियो की। आज सारी सोशल मीडिया में बात चल रही है प्रदीप मेहरा, प्रदीप मेहरा, प्रदीप मेहरा। कई देश विदेशों में इसका वीडियो वायरल हो रखा है और लोग लाइक कमेंट शेयर और सारी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी पहाड़ी ज़िंदगी है और किस प्रकार की है, नामी जिसका पहाड़ है, लोग यहाँ कितनी मेहनत करते हैं पहाड़ के साथ, अपना जीवन बसर करना किस प्रकार होता है, सुबह से शाम तक यहाँ संघर्ष करना पड़ता है तब जाके यहाँ जीवन यापन करता है। एक पहाड़ी व्यक्ति जो यहाँ से ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने वाले शहर नोएडा, जो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल है, वहाँ जाकर भी अपनी सेवा दे रहा है। तो दोस्तों, जो वीडियो वायरल हो रही है अपने पहाड़ी बंदे की, उसके पीछे भी एक पहाड़ी भाई है जिन्होंने ये वीडियो बनाई और लोगों तक पहुँचाया और उसके संघर्ष को लोगों को दिखाया। और कई ऐसे मेरे नौजवान भाई लोग हैं, बेरोजगार भाई लोग हैं, जो अपने भर्ती के लिए, नौकरी के लिए बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई के लिए। कई ऐसे बंदे हैं जो अपने हर क्षेत्र से सुबह शाम या किसी न किसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। वो अभी गुमनाम है और संघर्ष कर रहे हैं। कई बंदे मिलते हैं सड़क में, आपने देखा होगा, कभी भी यातायात कर रहे होंगे आप, कई लड़के सुबह या शाम को दौड़ते हुए मिलते हैं, वर्जिश करते हैं, पढ़ाई करते हुए मिलते हैं। तो पहाड़ी लड़के हैं, बहुत मेहनती रहते हैं, देश के किसी भी कोने चाहिए बहुत विश्वसनीय होते हैं। तो जब भी मैं पहाड़ से बाहर गया था, मैंने भी प्राइवेट जॉब किया था, तो उस दौरान यही कहते थे कि पहाड़ के बंदे बहुत अच्छे, स्मार्ट और बहुत मेहनतशील, लगन वाले होते हैं और जिन पर विश्वास भी किया जा सकता है। तो इस बंदे ने आज पूरे देश का दिल जीता ही नहीं, विदेशों में भी इसके काफ़ी लोग सहयोग और समर्थन कर रहे हैं और इसके जज्बे को मैं भी सलाम करता हूं। और वीडियो के जरिए दिखाता हूं, दिन प्रतिदिन नया नया एक वीडियो आते रह रहा है और वीडियो के माध्यम से आप प्रदीप भाई को देख सकते हैं और उनसे कई लोग मिल रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया से केविन पीटरसन ने भी उनका समर्थन किया, उनके फ़ैन बने हुए हैं। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे पहाड़ी लोग काफ़ी उनके फ़ैन बने हुए हैं। तो दोस्तों, संघर्ष एक ऐसी जीवन की यात्रा है, बिना संघर्ष किए कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो संघर्ष ही जीवन है, अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो आपको सफलता पूर्ण रूप से मिलेगी, क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। आप पहाड़ से हैं तो दिल भी हमारा पहाड़ की तरह ऊंचा रहता है। तो आपने शायद वो वीडियो देखी भी होगी जिनमें इंटरव्यू धड़ाधड़ बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों से आ रहा है और इसमें कई चीज़ें हैं और एक मैं भी दिखा रहा हूँ जिसमें उनका इंटरव्यू लिया गया है और दिखा रहे हैं। घरों पे सप्लाई करने जाते हैं, होम डिलीवरी या ऑफिस में ही काम करते हैं? ऑफिस में काम है। शायद वीडियो आपको दिखेगी ना, काम करते हैं या यहाँ पर आप रहते हैं, तो सुबह की जो दिनचर्या वो किस तरीके से आपकी बीतती है? सुबह तो पहले रात को तो जिस हिसाब से घर पे पहुँचता हूँ, लेट होती है खाना बनाते वक्त, मतलब दो या ढाई तीन बजे तक मुझे नींद, मेरा खाना वाना फिनिश करके सोने का टाइम ढाई या तीन बज जाते हैं मुझे सोते सोने तक। तो होता है, माँ बीमार है, उसके बाद भी रोजी रोटी के लिए आप जाते हैं, फिर सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश है, मन दुखी होता है काफी दुखी होता है, लेकिन मेहनत, सुना है ना कि मेहनत के आगे तो दुनिया भी झुकती है। तो जैसे आपने सुना प्रदीप भाई कह रहे हैं कि बोला मेहनत के आगे तो दुनिया भी झुकती है, वास्तव में दुनिया भी झुकती है। इसी का उदाहरण लेते हुए वो भाई इतने संघर्ष कर रहा है और बीमार माँ, जो माँ बीमार है और भाई नौकरी कर रहा है, उसको खाना भी बनाना है, दौड़ के जाना है, सारी चीज़ें रूटीन करनी है। भाई प्रदीप के संघर्ष को किसी ने नहीं देखा। आज एक वीडियो वायरल होने की वजह से पूरा देश उसको सलाम कर रहा है। वो आज पहला वीडियो नहीं था और पहला दिन नहीं था उसका संघर्ष का, वो बहुत पहले से संघर्ष करते आ रहा था और अपने बीमार माँ के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए जो संघर्ष करते आ रहा था,
तो भगवान ने उसको एक बार आज वायरल कर दिया गया है, लोगों के बीच ला के खड़ा कर दिया। उसका जोश और जुनून उसको एक दिन इंडियन आर्मी में जरूर ले जाएगा और वो इंडियन आर्मी की ड्रेस में या किसी फोर्सेज की ड्रेस में आएगा और देश सेवा करेगा और अपने परिवार का अपने अपना भविष्य देखेगा। सुंदर अवसर उसके लिए है। अभी काफ़ी चिरप्रचित पूरा देश पूरा विदेश जान रहा है आज उसको प्रदीप मेहरा। तो कुछ चीज़ें होती है जो हम करते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ से कब कहाँ पहुँच जाएँ, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आप धीरे धीरे अपने पथ पर चलते जाएँ, क्योंकि हम जब छोटी सी शुरुआत करेंगे तो एक दिन जाके वो बहुत बड़ा धमाका करेगा, जो आज प्रदीप भाई ने कर रखा है। और जो भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिना किसी के सहयोग से कार्य नहीं हो पाता है। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत का भी फल नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत के साथ साथ उन लोगों का भी धन्यवाद जिन लोगों ने उनको इतना फेमस किया। और वैसे तो काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया आज ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो लोग छोटी सी क्रियाकलाप को बहुत हाई लेवल पर लेके जाता है। बहुत अच्छा लगा, मैं भी चाह रहा था एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि अपने पहाड़ का है, अच्छा है, मोटिवेशन मिलेगा, कई लड़के इससे प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ के कुछ बनने का संकल्प लेंगे।